सब्सक्राइब करें न्यू कृति बुटीक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बचे हुए कपड़े में से एक बहुत ही सुंदर सा कुर्ती का डिजाइन लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आमतौर पे जो हम कपड़े बनवाते हैं, जैसे किसी टेलर के पास बनवाते हैं, तो छोटे छोटे पीस बच जाते हैं जिनको हम वेस्ट समझ कर छोड़ देते हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगा आपको, आप उनको किस तरीके से डिजाइनिंग करके बहुत ही सुंदर सी एक ड्रेस तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे हमने एक जैसे कुर्ती बनाई थी, तो उसकी साइड में से ये पट्टी बच जाती है। कुर्ती की साइड में से यहाँ पे ये कपड़ा इस प्रकार का बचा हुआ है, जिससे कि हम बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे डिजाइन तैयार करेंगे। इसके साथ में हमें क्या करना होता है, ये हमारा वर्क वाला पीस है, कढ़ाई वाला, और ये चिनोन का कपड़ा होगा, चिनोन बोलते हैं इसको फैब्रिक को, और जो जिसकी चौड़ाई जो बची हुई है, ये तकरीबन हमारी 14 इंच की पट्टी बची हुई है। साइड में से हमेशा 13, 14 या 12 इंच की पट्टी बच जाती है फ्रंट बैक निकालने के बाद। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसके साथ में डिजाइनिंग करने के लिए सेम इसी कलर का, जो इसको सूट करे कलर को, इस कलर का हमने फैब्रिक लेना है सिल्क में। ये मैंने सिल्क में फैब्रिक लिया हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे 1.25 मीटर कपड़ा लिया हुआ है, तकरीबन ये 120 रुपये मीटर आता है, तो 150 रुपये का हमारा ये फैब्रिक आ जाता है सिल्क वाला। तो ये सिल्क वाला हमारा 1.25 मीटर कपड़ा हो गया, और ये हमारा बचा हुआ हो गया जो हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो इससे हमें डिजाइनिंग तैयार करनी है। तो डिजाइनिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें इनमें देखना होता है कि हमारा कौन सा कपड़ा ट्रांसपेरेंट है। तो अगर हम दोनों फैब्रिक में से देखेंगे, तो हमारा जो ट्रांसपेरेंट होगा चिनोन वाला फैब्रिक होगा, तो हम यहाँ पे अस्तर यूज करेंगे। अस्तर यूज करेंगे दोस्तों इस कलर का, जो हमारे पास हल्के वाला कपड़ा होता है, जिस जो ट्रांसपेरेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे इस प्रकार से एक सिंपल नॉर्मल तरीके से कमीज का फ्रंट बैक कटिंग किया हुआ है अस्तर का, इस प्रकार से नॉर्मल तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे फ्रंट बैक की अस्तर कटिंग किया हुआ है। नीचे की साइड बैक साइड है और ऊपर हमारा यहाँ पे फ्रंट है। अब मैं आपको डिजाइनिंग दिखाना चाहूंगा, डिजाइनिंग हम किस प्रकार की करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है, जिस तरीके की हमने यहाँ पे डिजाइनिंग करनी है। ये जो कलर होगा हमारा, ये होगा मजेंटा कलर का, ये रानी शेड होगा जो चौड़े वाला पीस होगा, और साइड में जो छोटा पीस होगा ये रखेंगे हम, जो हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है चिनोन वाला, ये रखेंगे हम इस कलर का, ये वाला। और यहाँ पे हमारा ये डिजाइनिंग आएगा। डिजाइनिंग में हम यहाँ पे पट्टी अलग अलग कलर की डालेंगे, एक मजेंटा कलर की और एक चिनोन वाले कलर की। तो इतना खूबसूरत ही हम डिजाइन तैयार करेंगे कि आप देख के कहोगे कि वाकई में बचे हुए कपड़े में से इतना सुंदर डिजाइन कैसे बन गया है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी कटिंग। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, नॉर्मल आपने अस्तर कटिंग कर लेना है, उसके बाद आपने यहाँ पे फ्रंट अलग निकाल लेना है, और यहाँ पे जो हमारे पास मैजेंटा कलर का फैब्रिक है, ये आप कटिंग करते हैं हम इस प्रकार से बैक साइड में। सबसे पहले हमें बैक साइड कटिंग करनी है इस प्रकार। दोस्तों हमने यहाँ पे फोल्ड करते हुए ऊपर की साइड अस्तर इस प्रकार से सेट कर लिया है। अस्तर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप सेम कलर भी यूज कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है कि आप कौन सा अस्तर लगाना चाहते हो। यहाँ पे जितनी हमें लेंथ रखनी होती है, जैसे हमें 42 इंच रखनी है या 43 रखनी है, तो हम 43 पे निशान लगाएंगे, और अस्तर के साथ साथ हम कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार हमने बैक साइड यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब हमें फ्रंट कटिंग करना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे फ्रंट कटिंग करना है। फ्रंट कटिंग करने के लिए अगर हम देखते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास ये फैब्रिक है, ये चौड़ाई में कम बच जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कपड़ा तो 1.25 मीटर ही लिया था। तो इसको हम किस तरीके से कटिंग करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक फोल्ड लगाना है, तकरीबन हमें 3.5 से 4 इंच की पट्टी का, इस प्रकार हम यहाँ पे 4 इंच का एक फोल्ड लगाएंगे इस प्रकार से, इस
इसको पूरी पट्टी को हम अच्छे से सेट कर लेंगे इस प्रकार। चौड़ाई बराबर रहे इस चीज का आपको ध्यान रखना है और पूरी लेंथ में हम इसी प्रकार से इस पट्टी को बिठा लेंगे सीधी। पट्टी दोस्तों हमने यहाँ पे इस प्रकार से ये सेट कर ली है। अब हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है जितना हम गला प्रोड़ रखते हैं। जैसे हमें 6 इंच रखना है तो हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे और 3-3 इंच पे यहाँ पे पूरी पट्टी में इस प्रकार से निशान कंप्लीट करेंगे। इन निशानों को हम इस प्रकार सीधा कर लेते हैं। जितना भी हमें ब्रॉड लेंथ रखनी होती है गले की उस हिसाब से यहाँ पे ये निशान हमने सीधे लगा दिए हैं। अब हमारे पास जो ये कपड़ा बचता है, जो बचा हुआ फैब्रिक है, अब हम इसको लेंगे इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारे पास जो ये बचा हुआ फैब्रिक है इसको हम इस प्रकार से लेंगे और यहाँ पे उल्टी साइड रखेंगे ऊपर की साइड और इस निशान से इसको मैच करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। आगे की साइड निशान का हमें ध्यान रखना है, इस निशान से हमारा मैच होना चाहिए ऊपर से नीचे तक। इस प्रकार हमने यहाँ पे फैब्रिक अपना सेट कर लिया है अच्छे से। अब हम यहाँ पे जो हमारे पास अस्तर है फ्रंट वाला जो हमने शुरू में ही कटिंग किया हुआ है उसको इस प्रकार से सेट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए। और जितनी हमें लेंथ रखनी होती है उतना हम नीचे की साइड यहाँ पे निशान लगाएंगे। एक निशान फोल्ड का लगाएंगे, 2 निशान हमारे ये लग गए हैं। बाकी कटिंग हम सेम तरीके से करेंगे जैसे नॉर्मल कटते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे ये कटिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। बाकी का जो हमारा आगे की पट्टी बचती है इसमें से हमारी बाजू आएंगी। ये यहाँ से हम स्लीव लेंगे, तकरीबन हमारी 17 से 18 इंच की यहाँ पे बाजू तैयार आ जाएंगी। तो ये कपड़ा हमारा बाजू को हो गया। अब मैं आपको इसको फ्रंट को ओपन करके दिखाऊंगा कि इसकी शेप किस प्रकार से आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे ओपन करके इसको दिखाया बिछा के अच्छे से कि किस तरीके के यहाँ पे हमारी डिजाइनिंग आएगी। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे एक साइड में हमारा ये फैब्रिक आएगा जो कढ़ाई वाला होगा, चिनोन बचा हुआ कपड़ा था जो हमारे पास, और दूसरी साइड हमारे पास ये आएगा ये वाला फैब्रिक जो सिल्क में हमने लिया था। अब हमें यहाँ पे डिजाइनिंग करनी है और किस तरीके से इसको स्टिच करना है अब मैं वो दिखाऊंगा। मेरा मेन मकसद था इसको कटिंग किस तरीके से करना होता है जिससे कि हमारा फैब्रिक भी बच जाए और ये डिजाइनिंग भी हमारी बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। तो इसको अब तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये गला कटिंग करना है। जो हमने यहाँ पे गला ड्रॉ किया है इसको हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे दोस्तों अब हमें गले की कटिंग करनी है। तो गले की कटिंग के लिए ये मैंने बुकरम ली है जिसकी चौड़ाई होगी 10.5 इंच की और जो लंबाई होगी ये होगी हमारी 12 इंच की। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक साइड इस प्रकार से एक निशान लगाना है आधा से पौना इंच का एक साइड में। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे जितना ब्रॉड रखना होता है गला, जैसे 6 या 6.5 रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 6.5 इंच ब्रॉड रखेंगे। इस निशान को हम सीधा करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे देखना होता है हमें डीप कितना रखना है। जैसे हमें यहाँ पे इस साइड से 7 इंच डीप करना है। 7 इंच करने के बाद यहाँ पे हम इस प्रकार की शेप डालते हुए निशान को कंप्लीट करेंगे इस तरीके का हमारा ये यहाँ पे निशान आएगा। अब हम यहाँ पे बाहर की साइड एक निशान लगाएंगे जिसकी चौड़ाई हम 2.5 इंच की रखेंगे। तो 2.5-2.5 इंच पे यहाँ पे हम इस प्रकार से मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम इस निशान को एक दूसरे से इस प्रकार से मैच करते हैं।
ये हमारी यहाँ पे जो लाइनों वाली पट्टी है इस प्रकार से पट्टियाँ आएंगी, इसमें हमारी वो डिजाइनिंग आएगी। तो हम इसी निशान के ऊपर यहाँ पे कट कर लेते हैं। अब हम बार वाले निशान पे कट करेंगे। बार की साइड आधा से पौना इंच मार्जिन छोड़ते हुए कट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये गला हमने कटिंग कंप्लीट कर लिया है और बीच में हमारी यहाँ पे ये पट्टी आएगी जिसमें हमें डिजाइनिंग करनी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये गला हमारा यहाँ पे बनेगा इस प्रकार, इस पॉइंट से यहाँ तक, और यहाँ पे आएगी ये पट्टी इस प्रकार से, जिसमें हम ऊपर की साइड यहाँ पे डिजाइनिंग करेंगे। तो दोस्तों कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं आपको स्टिचिंग दिखाता हूँ। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे जो सीधी पट्टी होती है, ये वाला सीधा पोर्शन यहाँ पे जो कट है बीच में इस तरीके से, इन दोनों पीसों को हम ज्वाइंट कर लेते हैं यहाँ पे एक पैर की सिलाई से, एक पैर की आधा इंच की जितनी चौड़ाई से आप सिलाई लगाना चाहें। एक साइड हमें ज्यादा मार्जिन रखना है क्योंकि हमने तकरीबन आधा इंच से ज्यादा मार्जिन कटिंग किया हुआ था। पूरे फ्रंट में हम इसी प्रकार से सिलाई लगाते हुए दोनों पीसों को जोड़ेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे ये फ्रंट ज्वाइंट कर लिया है दोनों साइड से, जो कि साइड में यहाँ पे ज्वाइंट करना था जैसे जैसे मैंने कटिंग किया था ऐसे ही हमने ज्वाइंट किया। अब हमें यहाँ पे अस्तर ज्वाइंट करना है। अस्तर मैंने यहाँ पे नीचे की साइड रखा हुआ है इस प्रकार से, इसको हम जैसे नॉर्मल तरीके से अस्तर ज्वाइंट करते हैं ऐसे हम यहाँ पे अस्तर को ज्वाइंट कर लेते हैं। अस्तर ज्वाइंट हमने दोस्तों यहाँ पे कर लिया है। अब हम यहाँ पे गला बनाएंगे, ये वाला जो हमारा बड़े वाला गला होगा इसको हम तैयार करेंगे। इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कपड़ा लेंगे इस तरीके से अस्तर वाला, और अस्तर के कपड़े के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे इस गले को बिल्कुल सीधा इस साइड से, और ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार हम रख के चेक करेंगे कि ब्रॉड लेंथ हमारी बिल्कुल सही आनी चाहिए। इस पीस को हटा देंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे इसी तरीके से। एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर से कट करेंगे, बार की साइड आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। और इस कपड़े को इस प्रकार से हम बुकरम के ऊपर फोल्ड करेंगे।
इस गले को कमीज में तैयार करेंगे। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, हमें इस पॉइंट पे रखना है गले का ये वाला इस हिस्सा, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे रखते हैं ताकि हमारा सिर्फ एक ही सिंगल नज़र आए, यहाँ पे दूसरा सेट ना नज़र आए। और यहाँ से हमें देखना है कि हमें ये कंधे भी कितनी चाहिए, जितनी हमारी है जैसे 3 इंच है तो हमें इस साइड की भी तकरीबन 3 इंच होनी चाहिए, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो इसको कैसे नापेंगे, इसका नापने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। इस साइड से हम यहाँ पे नापेंगे 3 इंच, जहाँ पे हमारा 3 इंच आता है, और यहाँ पे हमें तकरीबन जैसे हमने कटिंग की थी 2.5 इंच की पट्टी, तो थोड़ा हमें यहाँ पे और ब्रॉड करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम इसको हल्का सा और ज़्यादा ब्रॉड कर लेते हैं ताकि हमारी जो अंदर की पट्टी है वो बिल्कुल सही आए। अब हम एक साइड से यहाँ पे इसको बिल्कुल सीधा स्टिच करते हैं। यहाँ पे हम इसको हल्का सा और ज़्यादा ब्रॉड करने के लिए इस साइड रखेंगे गले को, हल्का यहाँ पे बीच में इस तरीके से हल्का सा झोल डाल देते हैं, क्योंकि कटिंग होने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। अब हम यहाँ पे इस गले को कटिंग करेंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस प्रकार से। जहां पे गोलाई आती है वहां पे हल्के हल्के इस प्रकार से कट लगा लेते हैं, और यहाँ पे नोक में भी हम हल्का सा एक कट लगाएंगे। अब हम बुकरम वाले गले को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए प्रेस से अच्छे से सेट करेंगे। पलटने के बाद दोस्तों हमारा गला इस प्रकार से तैयार हो जाता है। अब हमें यहाँ पे डिजाइनिंग करनी है अंदर की पट्टी की, ये पट्टी मैंने यहाँ पे जो लगानी है इस प्रकार से हमारी ये पट्टी आएगी। तो इसको हम किस तरीके से डिजाइन करें, एक तो हम सीधी पट्टी लगा सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे पूरे पे हम सीधी पट्टी कम्प्लीट कर सकते हैं, वो तो बड़ा ही आसान सा डिजाइन होगा। लेकिन अगर थोड़ा हमें हैवी डिजाइन चाहिए तो हम किस प्रकार का यहाँ पे डिजाइन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक सिलाई लगा लेते हैं बुकरम के साथ साथ, आप बुकरम के हल्का हल्का ऊपर भी लगा सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद हमें नजर आ जाएगी कि हमारी पट्टी कितनी चौड़ाई और कहां तक इसकी गोलाई है। अब हम एक पट्टी लेंगे इस प्रकार की, ये हमने जो हमारे पास ये चिनोन वाला फैब्रिक है इसमें से निकाली हुई है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे तकरीबन 1 इंच की इसको तैयार कर लेते हैं। 1 इंच की तैयार करने के बाद हम यहाँ पे इस प्रकार से इसको लगाएंगे हल्का हल्का गैप रखते हुए। Thank you.
काफ़ी सारी पट्टी हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है, इनको हम एक एक करके अब ज्वाइंट करेंगे। दूसरी साइड भी हम सेम बराबर गैप रखते हुए, जैसे इधर हमने मिला दिया और हल्का इधर गैप रखा है, इसी प्रकार सभी पट्टियों में जहाँ पे गोलाई आती है इस तरीके से आएगा, बाकी ऊपर की साइड हमारी यहाँ पे सीधी आएंगी। तो बाहर की साइड भी हम सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रकार हमने दोनों साइड यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम एक पट्टी लेंगे इस प्रकार से और यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे नीचे की साइड, और जो हमारी एक अंदर वाली सिलाई होती है गोलाई वाली, ये वाली एक बाहर वाली सिलाई होती है, इस पे हमें सिलाई नहीं लगानी है, अंदर वाली सिलाई पे सिलाई लगाते हुए, गोलाई पे सिलाई लगाते हुए, और यहाँ पे हम बुकरम के ऊपर लगाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बुकरम के नीचे नहीं लगानी है, बुकरम के ऊपर, ताकि हमारी यहाँ पे पाइपिंग नजर आए। अब हम यहाँ पे बुकरम के साथ साथ कटिंग करेंगे। और इस कपड़े को हम अंदर की साइड इस प्रकार से फोल्ड करते हुए ऊपर से यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाएंगे, इसमें हमारी यहाँ पे एक साइड पाइपिंग आ जाती है। एक साइड यहाँ पे पाइपिंग आ गई है, अब हम दूसरी साइड ऊपर से सिलाई लगा लेते हैं, ताकि हमारा नीचे भी फिनिशिंग आ जाए और ये कपड़ा ऊपर ना रहे, दब जाए। आधा से पौना इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस प्रकार से कट कर लेते हैं। ये डिजाइनिंग वाला पीस हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, जिसको हमें यहाँ पे गले में अटैच करना है। इस प्रकार रखते हुए यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ से हमें देखना होता है कि बराबर गोलाई रहे हमारी, कहीं पे भी फर्क ना आए।
इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे पैच अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे डिजाइनिंग डालनी है, हर पत्ती में हम डिजाइनिंग डालेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पे हर पट्टी में डिजाइनिंग डालेंगे मोतियों से। मोतियों से कैसे डिजाइनिंग डालते हैं हम, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम सेंटर में एक पत्ती लेंगे, उसका सेंटर करते हुए इस तरीके से नीचे से सुई निकाल लेंगे जिसमें हमारा धागा होगा, और यहाँ पे एक साइड से इस प्रकार से और दूसरी साइड से भी बिल्कुल सेंटर से इस प्रकार से इस धागे को टाइट करेंगे तो यहाँ पे हमारी इस प्रकार की सेव आ जाएगी, बो टाइप जैसे बो बनाई जाती है। इस प्रकार की हम यहाँ पे ये डिजाइनिंग डाल देते हैं। अब हम यहाँ पे एक मोती लेंगे और उस मोती में से इस तरीके से नीडल निकालते हुए और यहाँ पे इस डिजाइनिंग को कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से हमारी यहाँ पे डिजाइनिंग आएगी। सभी पत्तियों में सेम तरीके से हम डिजाइनिंग कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा ये डिजाइनिंग कंप्लीट किया है और यहाँ पे हमारा ये पूरा फ्रंट होगा इस प्रकार। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बड़ी ही फिनिशिंग से हमने यहाँ पे ये जो डिजाइनिंग मैंने आपको समझाई थी और बचे हुए कपड़े में से हमने यहाँ पे पूरा पीस ये कंप्लीट किया है। ये डिजाइनिंग मैंने आपको फ्रंट की तैयार करके दिखाई है। बैक और बाजू हमारी जैसे नॉर्मल अटैच होती है इस प्रकार से हमें अटैच करनी है और यहाँ पे इस पीस को तैयार करना है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।